बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। माय नेम इज़ रोज़ीना रफ़ीक एंड आई विल टीच यू साइंस फॉर क्लास सिक्स। टुडे वी विल रीड टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यू हैव सीन दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। फॉर दिस रीजन सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आप जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम चीज़ें, तमाम जानदार अजसाम सेल्स से मिलकर बनते हैं। बाज़ अजसाम सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और बाज़ अजसाम बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। जिस तरीके से हम बिल्डिंग कोई बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स लगाते जाते हैं और हम एक बिल्डिंग को तश्कील दे देते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस इन्हीं सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और डिफरेंट सेल्स मिलकर अपना डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। जो जो चीज़ें, जो जानदार, जो एनिमल्स या प्लांट्स डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। और जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी ज़िंदगी के तमाम डिफरेंट जो अजसाम होते हैं, उनके तमाम जो वर्क होता है, जो भी, वो सिर्फ उसी एक सेल पर मुश्तमिल होता है। तमाम पार्ट्स के जो भी उसका वर्क होता है, वो सिर्फ एक ही सेल पर होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल ओनली। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, एक सेल से बने होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। फॉर एग्जांपल, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर सम एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया एमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ऑल्दो मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ। ये अपनी लाइफ की तमाम ज़रूरी एक्टिविटीज को अपने एक ही सेल में परफॉर्म करते हैं। दे ग्रो, मूव, डाइजेस्ट फूड, गिव आउट वेस्ट एंड रिप्रोड्यूस। जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें ग्रो यानी नशोनुमा, मूव हरकत, डाइजेस्ट फूड, निज़ामी निज़ाम एंड वेस्ट को वेस्ट खारिज करना और रिप्रोड्यूस दोबारा बनना, ये सारे एक्टिविटीज़ अपने एक ही सेल में पूरी करते हैं। अ सिंगल सेल कैरी आउट ऑल दीज एक्टिविटीज़। एक अकेला ही सेल ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी सी अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे सराउंड में पाए जाते हैं, वो मल्टी बहुत सारे सेल्स पर उनकी ज़िंदगी जो है वो
चलती है। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो देखें, सबसे पहले तो हम ही हैं, ह्यूमन बीन्स यानी हम हैं, इसके अलावा कैट, पैरट, डॉग, फिश, ये सारे एनिमल्स जो हैं। प्लांट्स ले लें, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें देखें फ्लावर भी है, उसमें लीव भी है, उसमें उसमें रूट भी है, ये सारी चीज़ें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म यानी मल्टी सेल्स से मिलकर बनी हैं, तो इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में ही रखते हैं। यू आर मल्टी सेलुलर, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हम भी मल्टी सेलुलर हैं। सो इज़ आ डॉग, एन एलिफेंट, आ मैंगो ट्री, आ मशरूम, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एनिमल्स अराउंड यू। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट्स जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म क्या कहलाते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म क्या कहलाते हैं। एंड देन डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में आखिर क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में आया क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कंसिस्ट ऑफ वन सेल ओनली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कंसिस्ट ऑफ वन सेल ओनली, एक सेल पर मुश्तमिल होता है। यूनिसेलुलर सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म किस चीज कितने क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल, वो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होता है। क्लियर हो गया? यूनिसेलुलर ओनली वन सेल पर मुश्तमिल होता है, जबकि मल्टी सेलुलर जो है वो मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होता है। पॉइंट नंबर टू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। मतलब क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म माइक्रोस्कोप के बग़ैर नहीं देखा जा सकता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म को हम माइक्रोस्कोप, जो कि हमारी लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है, हम उसके ज़रिए से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म को देख सकते हैं। इसके अलावा हम यूनिसेलुलर को अपनी नेक आई के ज़रिए से नहीं देख सकते। एंड मल्टी सेलुलर, मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कैन बी सी विदाउट द नेक आई। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म को अपनी आँखों से बआसानी देख सकते हैं। देखें, हम कैट को देख सकते हैं, हम डॉग को देख सकते हैं, हम एलिफेंट को देख सकते हैं, हम प्लांट्स को देख सकते हैं, हम कलरफुल प्लांट्स देख सकते, कलरफुल फ्लावर देख सकते हैं। तो यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती। पॉइंट नंबर थ्री, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ। अच्छा, ज़िंदगी की बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रो करना, मूव करना, डाइजेस्ट करना, एंड आउट वेस्ट करना, एंड रिप्रोड्यूस करना, ये सारे लाइफ के फंक्शंस हैं। ये यूनिसेलुलर में एक ही सेल के अंदर ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। इमेजिन करें कि एक सेल, हमारी बॉडी में हज़ारों करोड़ों सेल हैं, जबकि कुछ एनिमल्स प्लांट्स ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ एक ही सेल में ज़िंदगी के तमाम परफॉर्म जो हैं वो, उनकी फंक्शंस की परफॉर्मेंस जो है वो एक ही सेल पर होती है। अच्छा, इसके यू मल्टी सेलुलर को देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ आर परफॉर्म बाय अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, एग्जांपल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। मुख्तलिफ लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ सेल्स मिलकर। जैसे कि देखें, टिश्यू
टिश्यू एंड ऑर्गन्स. ऑर्गन्स क्या है? आज़ा. जैसे कि देखिए हमारा किडनी है, हार्ट है. किडनी का वर्क क्या है, हार्ट का वर्क क्या है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि दिल हमारा बहुत अहम परफॉर्म करता है. इसी तरीके से यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा था किडनी का वर्क बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इसी तरीके से हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हमने पढ़े थे. तो हर ऑर्गन मिलकर अपना एक परफॉर्म, लाइफ का परफॉर्म करता है अपनी फंक्शन, ठीक है. और टिश्यू और ऑर्गन, यानी कोई ऑर्गन है तो वो किस तरीके से काम करेगा, उसके साथ एक जैसे ही टिश्यू होंगे तो वो ऑर्गन बनेगा, एक जैसे ही सेल्स होंगे तो वो ऑर्गन बनेगा. पॉइंट नंबर 4, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल. इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही सादा है, बिल्कुल सादा है. एंड मल्टी सेलुलर में देखते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स. मल्टी सेलुलर की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी चेंज होती है, सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है. नंबर पॉइंट नंबर 5, लेस अमाउंट ऑफ फूड एंड एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. फूड और एनर्जी की बहुत कम मिकदार की ज़रूरत होती है ये डिफरेंट लाइफ के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए. बहुत ही मखसूस मिकदार में फूड और एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो अपनी लाइफ के मुख्तलिफ प्रोसेस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं. थोड़ी सी नीड होती है एनर्जी और फूड की. जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है फूड और एनर्जी की, इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ. जैसे कि हम देखें, हम एक वक्त का खाना ना खाएं चलेगा, कोई बात नहीं, दो वक्त का ना खाएं, लेकिन तीसरे वक्त का ना खाएं तो हमें ऐसे फील होगा जैसे हमें वीकनेस होती जा रही है ना. पानी ना पिए तो चलें कोई बात नहीं, 1 घंटा ना पिए, 2 घंटा ना पिए, पूरा दिन ना पिए तो हमें नीड होती है पानी की कि हम पानी पिए, हमें ज़रूरत होती है पानी की कि हम पानी पिए. तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नीड होती है खाने पीने की और एनर्जी की, जबकि यूनि सेलुलर में बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम क्वांटिटी में फूड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या टॉपिक को एक्सप्लेन किया है. हमने एक्सप्लेन किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग बॉडी. उसमें हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था, यूनि सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यूनि सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी सी अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. ये दोनों डिफरेंट हैं. जो ओनली वन सेल्स पर मुश्तमिल होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको यूनि सेलुलर कहा जाता है. और जो मैनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल क्या दी गई है, यूनि सेलुलर की एमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया दी गई है, जबकि मल्टी सेलुलर की सबसे पहले तो हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स, डॉग, एलिफेंट, मैंगो ट्री, मशरूम ट्री. और सिंगल यूनिसेलुलर जो है तमाम लाइफ के फंक्शन जैसे कि ग्रो, मूव, डाइजेस्ट फूड, आउट वेस्ट, गिव आउट वेस्ट एंड रिप्रोड्यूस, ये भी एक ही सेल के अंदर करता है. जबकि मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर में मुख्तलिफ ऑर्गन्स और मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर डिफरेंट वर्क अपना परफॉर्म करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल और मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सी विदाउट माइक्रोस्कोप, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
जो है वो कैन बी सी विदाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। और मल्टी सेलुलर को हम आसानी से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं ना, कैट, डॉग, एलिफेंट, हम हर चीज़ को देख सकते हैं। अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ, एक ही सेल जो है वो तमाम जिंदगी की जो परफॉर्म है फंक्शंस वो एक ही सेल करता है, जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, लाइफ आर पर फंक्शंस ऑफ लाइफ आर परफॉर्म बाय अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही सिंपल होती है, जबकि मल्टी सेलुलर की थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की होती है, यानी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अच्छा, आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।